महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन इस सरकार की मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही हैं। शिंदे सरकार के विधायक संतोष बांगर ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक ऐसा बयान दिया जिससे सरकार घिर गई है। संतोष बांगर का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। तो क्या बयान है जिससे मचा है बवाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के एक विधायक संतोष बांगर ने चुनाव में जीत के लिए बच्चों से कुछ ऐसा कह दिया कि जिस पर अब बवाल हो गया है। जी हाँ, दरअसल विधायक ने बच्चों से कहा कि अगर उनके माता पिता मुझे वोट नहीं देते तो वे खाना छोड़ दें। शिवसेना विधायक के इस बयान पर अब बवाल शुरू हो गया है। जी हाँ, विपक्षी पार्टियों ने शिवसेना विधायक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। दरअसल महाराष्ट्र की कलमनुरी विधानसभा के विधायक संतोष बांगर हाल ही में हिंगोली जिले के जिला परिषद स्कूल में गए थे। वहां विधायक ने बच्चों से कहा, अगर तुम्हारे माता पिता अगले चुनाव में मुझे वोट ना दें तो दो दिन तक खाना मत खाना। अगर तुम्हारे माता पिता पूछे खाना क्यों नहीं खा रहे हो तो कहना कि संतोष बांगर को ही वोट दें, तभी हम खाना खाएंगे। शिवसेना का ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसके बाद विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस और सत्ताधार की एनसीपी ने शिवसेना विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एनसीपी सदर पवार के प्रवक्ता ने कहा, बांगर ने जो भी बच्चों से कहा वो चुनाव आयोग की दिशा निर्देश के खिलाफ है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो बार बार नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन सरकार में होने के चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। चुनाव आयोग को उनके खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता विजय ने भी संतोष बांगर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा, राज्य की शिक्षा मंत्री क्या उस समय सो रहे थे जब उनकी पार्टी के विधायक स्कूली बच्चों से ऐसी बात कर रहे थे। आपको बता दें कि संतोष बांगर का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में चुनाव आयोग ने बच्चों को चुनाव संबंधित गतिविधियों में शामिल करने के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किया था। पप्पा म्हणत असेल आपल्याला मतदान स्वीकार करायचे असेल, दोन दिवस जेवायचे नाही, दोन दिवस जेवायचे नाही। पप्पांना आईने विचारलं का जेवायचे नाही, त्याला सांगायचं आमदार संतोष बांगरला मतदान करा तो आज जेवते नाही। कोणाला मतदान करायचं, कोणाला जरा जोरात कोणाला। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।